नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर बिहार सरकार के एक और अधिकारी पर आर्थिक अपराध इकाई की गाज गिरी है। आपको पता है कि बीते कई दिनों से लगातार ऐसे अधिकारियों पर सरकार की गाज गिर रही है, जिन्होंने मोटी काली कमाई करके रखी हुई है। इस बार CDPO ज्योति कुमारी के घर पर छापा पड़ा है और पता चला कि मात्र 10 साल की नौकरी में ही धनरवा की CDPO ज्योति कुमारी करोड़पति बन गई। इनके घर से और क्या क्या बरामद हुआ और कितने काले कारनामे इन्होंने छुपा कर रखे हैं, हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। बिहार में भ्रष्ट तरीके से संपत्ति अर्जित कर धन कुबेर बने अफसरों के खिलाफ निगरानी, विशेष निगरानी और आर्थिक अपराध इकाई यानी कि EOU की कार्रवाई लगातार जारी है। इस कड़ी में मंगलवार को स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने पटना के धनरुआ प्रखंड में पदस्थापित CDPO ज्योति कुमारी के ठिकाने पर छापेमारी की है। ज्योति कुमारी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने इस मामले में उनके खिलाफ निगरानी कोर्ट के थाने में केस दर्ज किया है। न्यायालय से सर्च वारंट लेने के बाद पटना के RPS मोड़ स्थित उनके आवास पर टीम छापेमारी कर रही है। स्पेशल विजिलेंस के सूत्रों की माने तो ज्योति कुमारी को सरकारी सेवा में आए महज 10 साल हुए हैं, इसके बावजूद उन्होंने इतनी कम अवधि में करोड़ों रुपए का फ्लैट पटना के RPS मोड़ पर खरीदा है और साथ ही 4 से 4.5 लाख रुपए नकद भी उनके घर से बरामद हुआ है। ज्योति कुमारी के पति पेशे से वकील है, लेकिन स्पेशल विजिलेंस यूनिट के सूत्रों की माने तो उनके पास आय का कोई खास स्रोत नहीं है। ऐसे में ज्योति कुमारी इस पूरे मामले में फंसती हुई नजर आ रही है। फिलहाल स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम छापेमारी के दौरान ज्योति कुमारी से पूछताछ करने में लगी है। महज 1 सप्ताह के अंदर मगध विश्वविद्यालय के कुलपति के बाद स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने एक CDPO के ठिकाने पर छापेमारी शुरू की है। अफसरों और बड़े ओहदों पर तैनात लोगों के खिलाफ इन एजेंसियों की छापेमारी से बिहार में फिलहाल खलबली मची हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो भी भ्रष्ट अधिकारी सिस्टम में छुपे बैठे हैं और जनता का पैसा मार रहे हैं, आम जनता को परेशान कर रहे हैं, उनकी पोल पट्टी खुलती हुई दिखाई दे रही है। पहले बालू माफियाओं से जुड़े हुए अधिकारियों की पोल खुली, उसके बाद धीरे धीरे करके आपने देखा कि कैसे BDO, BEO करके एक एक कर लोगों की पोल खुलती गई और अब धनरवा की CDPO ज्योति कुमारी पर भी मुश्किलें आ गई है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम उनके घर पर छापेमारी कर रही है। मात्र 10 साल की नौकरी में करोड़पति बन गई। कहा जा रहा है कि पति पेशे से वकील हैं, उनके पास कमाई का जो खास स्रोत है वो वैसा कुछ नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने पटना के RPS मोड़ पर एक बहुत ही शानदार फ्लैट खरीद रखा है, जिसकी कीमत लाखों करोड़ों में बताई जाती है। तो ये भी सोचने की बात है कि आखिरकार CDPO ने कितने पैसे कमा लिए कि इतने महंगे फ्लैट को खरीद कर वो उसमें रह रही हैं और साथ ही साथ 4 लाख रुपए घर पर नगद रखा हुआ है। तो समझिए कि उनके पास और कितनी चल अचल संपत्ति होगी, कितने की ज्वेलरी होगी, कितने रुपए और अलग अलग जगहों पर छुपा कर रखे होंगे। तमाम चीजें देखने वाली बात ये होगी, लेकिन फिलहाल छापेमारी जारी है। अब देखना होगा कि ज्योति कुमारी पर किस तरह का एक्शन लिया जाता है और आगे और क्या कुछ खुलासे होते हैं। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।